प्रॉबेबली ये वाली वीडियो आपने पूरे YouTube के ऊपर नहीं देखी होगी MIUI 12.5 के अपडेट के बाद, क्योंकि ये जो वीडियो है ना ये थोड़ी डिफरेंट है। एंड यहाँ पे थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर या फिर जिन्होंने यहाँ पे कमेंट किया था, उन्होंने बताया था कि ये जो सिस्टम है कुछ इस तरीके से वर्क करता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ इसके बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक MIUI यूज़र हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली एक लाइक ज़रूर से आप कर सकते हो। सबसे पहले रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर कुछ दिन पहले ही MIUI 12.5.1 का अपडेट यहाँ पर रोल आउट हो गया था। अभी फुली पब्लिकली यहाँ पर इसको रोल आउट कर दिया है और मैंने इसका रिव्यू वगैरह सब कुछ यहाँ पर डाल दिया है चैनल के ऊपर, तो अब इसकी बात तो यहाँ पर नहीं करने वाले। बट इसके अंदर MIUI 12.5 जिन जिन डिवाइसेस को आपको मिला है ना, Redmi Note 7 हो या फिर कोई भी आपका डिवाइस हो, 12.5 होना चाहिए, तो आपको पता होगा यहां पे ना एक एप्स का सेक्शन मिलता है एंड इसके अंदर आपको मिलता है मैनेज होम स्क्रीन शॉर्टकट्स, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहां से क्या कर सकते हो, इनको जो है रिमूव या फिर इनको ऐड कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बट अगर आप अपने फोन के अंदर अभी के अभी चेक करोगे ना, अगर आपने MIUI 12.5 को इंस्टॉल किया है और आप अनइंस्टॉल्ड सिस्टम एप्स के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपका ब्लैंक देखने को मिलेगा, यानी कि खाली शो करेगा, ये चीजें आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेंगी। अब ये चीजें आप कैसे कर सकते हो और ये क्यों किस तरीके से वर्क करता है इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये सबसे पहले क्या चीज है, ये आपको अनइंस्टॉल करके देगा, एक रिमूव होता है एक अनइंस्टॉल। रिमूव जस्ट आपकी जो होम स्क्रीन है ना उससे आपको जो है एप्स रिमूव करके देगा, बट अगर आप यहां पे इसको इंस्टॉल करना चाहते हो ना या फिर अनइंस्टॉल बेसिकली करना चाहते हो तो वो एक डिफरेंट चीज बन जाती है। और मैंने वो एप्स अभी जो आपको दिखाए थे वो भी टोटली अनइंस्टॉल कर दिए हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, कुछ महीने पहले ना मैंने एक जो है एक वीडियो अपलोड की थी कि आप अपने फोन के अंदर से जो ना सिस्टम ऐप्स को कैसे रिमूव कर सकते हो, उसकी हेल्प से आप इसको जो है फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ऐप्स है ना वो मैंने पीसी के थ्रू यहाँ पे अनइंस्टॉल किए हैं एंड कुछ और सर्विसेज थी जिनको मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अभी मेरा फोन अगर आप देखोगे ना काफी क्लीन हो चुका है, कोई भी एक्सेसिव जो है आप बोल सकते हो टूल्स के अंदर सिर्फ दो चीजें मिल जाती हैं एंड बाकी यहाँ पे सभी ऐप्स को मैंने रिमूव कर दिया। इवन गूगल के जो ऐप्स हैं वो भी मैंने ऑलमोस्ट रिमूव कर दिए, तो मेरा जो फोन है वो कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो जो भी एप्स मैंने यहां पे रिमूव किए पीसी के थ्रू वो आपको यहां पे शो होंगे। अगर आप जो है सोच रहे थे ना कि यहां पे एप्स क्यों नहीं आते, तो ये इसका सबसे बड़ा रीजन है एंड इसको आप डायरेक्टली यहां से इंस्टॉल कर सकते हो, बट आई थिंक इसके लिए आपको इंटरनेट यूज करना होगा। आप देख सकते हो अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसको आप डाउनलोड करोगे तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। सो ये बेस्ट चीज आपको मिल जाती है MIUI 12.5 के अंदर। एंड एक चीज और, जब आप यहां पे फोन को MIUI 12.5 के अंदर अपडेट करते हो तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है ना रीस्टोर आइटम्स का, तो वहां पे अगर आप चेक करोगे ना उस टाइम के अंदर, वैसे मैं कंफर्म्ड नहीं हूं इस चीज के रिगार्डिंग, अगर आप उसी टाइम उसको रीस्टोर करे बिना यहां पे आओगे ना अनइंस्टॉल्ड सिस्टम एप्स के ऊपर, तो आई थिंक आपको ये ऑप्शन फिर से देखने को मिल जाएंगे। बट अगर आप रीस्टोर कर देते हो जैसा मैंने किया था तो मे भी आपको ये वाले ऑप्शन यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको अवेयर हो जाए आप इस चीज के रिगार्डिंग कि सिस्टम एप्स अनइंस्टॉल क्यों नहीं होते MIUI 12.5 के अंदर, जो कि हमें बताया गया था। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। 20K सब्सक्राइबर्स प्लीज आप करवा सकते हो तो प्लीज करवा दो एंड वीडियो को भी लाइक जरूर से कर दिया करो। मैं मिलता हूं आपसे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।